अच्छा हम लोग हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एल, इसको हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। तो इसमें हेलो एल्केन, हेलो मीन्स होता है हेलोजन, हेलोजन और एल्केन जो होता है मतलब कि इसमें ये एल्किन ग्रुप होता है हेलो एल्केन, IUPAC में हेलो एल्केन कहते हैं और कॉमन नेम में इसको एल्किन हैलाइड कहते हैं। तो हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हेलोजन और कोई भी एल्किन CH3, C2H5, C3H7 कोई भी एल्किन लगा दें और कोई भी हेलोजन तो ये बन जाएगा हेलो एल्किन या एल्को हेलोजन। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं और एल्किन का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो इसी प्रकार से ये एल्किन ग्रुप इसमें निकलते चले आए। अब इसमें जैसे कि CH3 Cl मेथिल क्लोराइड, सामान्य नाम मेथिल क्लोराइड और IUPAC में इसको कहेंगे क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से C2H5Br कॉमन नेम इसका एथिल ब्रोमाइड, IUPAC में कहेंगे इसको ब्रोमोएथेन IUPAC। इसी प्रकार से जैसे तीसरा एग्जांपल C3H7I तो इसका साधारण नाम होगा इसका प्रोपिल आयोडाइड, लेकिन IUPAC नाम क्या होगा आयोडोप्रोपेन। तो इसके साधारण नाम में आयोड लग जाता है जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड और IUPAC नाम में हेलो क्लोरोब्रोमाइड पहले लिख देते हैं और बाद में कार्बन की जितनी संख्या होती है उसको एल्केन के रूप में लिखते हैं, एल्केन के रूप में नहीं लिखते। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन्स क्या होते हैं हेलोजन और एल्किन ग्रुप को जोड़ करके जो यौगिक बनता है उस यौगिक को ही हम लोग क्या कहते हैं हेलो एल्किन या एल्किन हैलाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एल्किन हैलाइड जो हेलोजन और एल्किन ग्रुप जोड़ करके बनाए जाते हैं इसी को कहते हैं एल्किन हैलाइड, कॉमन नेम एल्किल हैलाइड, IUPAC नेम हेलो एल्किन। तो पहले हमने देखा कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन्स क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप और हेलोजन को मिला करके हेलो एल्किन या एल्किल हैलाइड बनते हैं और इनका नामकरण कैसे होता है किसी वो चीज। अब इसके बाद इसमें जो हेलो एल्किन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हेलो एल्किन्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी हेलो एल्किन, सेकेंडरी हेलो एल्किन और टर्शरी हेलो एल्किन। अब ये क्या होते हैं कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक क्लोरीन जुड़ गया और एक इससे एल्किन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्राइमरी क्योंकि इसमें एक एल्किन जुड़ा हुआ है। तो सेकेंडरी हेलो एल्किन्स क्या होगा CH Cl और यहां पर दो एल्किन लगा देते हैं तो ये बन जाता है सेकेंडरी हेलो एल्किन, दो एल्किन ग्रुप लगते हैं। और इसी प्रकार से कार्बन से क्लोरीन लग गया और इसी से तीन एल्किल ग्रुप लग गया तो इसे कहते हैं टर्शरी हेलो एल्किन। तो इस प्रकार से हेलो एल्किन्स कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, ये तीन होते हैं। एक एल्किन लगाया तो
इसे प्राइमरी कहते हैं, दो एलपी लगे हम तो इसे सेकेंडरी कहते हैं, और तीन एलपी लगे हम तो इसे टर्शरी कहते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के एलपी, इसमें प्राइमरी हेलो एल्केन्स को 1 डिग्री हेलो एल्केन्स भी कहते हैं, और सेकेंडरी हेलो एल्केन्स को 2 डिग्री हेलो एल्केन्स भी कहते हैं, और टर्शरी हेलो एल्केन को 3 डिग्री हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। तो यदि पेपर में आता है कि 1 डिग्री हेलो एल्केन्स क्या होता है, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स क्या होता है, 3 डिग्री हेलो एल्केन्स क्या होता है, तो ये आप बता सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इनको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स कहते हैं। अब इसी के पश्चात इसी में ये सब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से ये हाइड्रोजनी तत्व जुड़ा हुआ है। अब यहां पर ये तो एल्केन्स के रूप में, और यहीं पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दें, ये कार्बन से क्लोरीन भी लगाए और डबल बॉन्ड भी लगाए, और इसी प्रकार से कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड लगाए और इधर ये क्लोरीन लगाए, तो ये क्या हुआ, आईपीसी नाम में क्लोरो एथीन। डबल बॉन्ड में ईन लगाते हैं, दो कार्बन है तो इसको एथ कहेंगे, तो क्लोरीन है तो क्लोरो एथीन, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें आयन लगाते हैं, तो यहां पर क्लोरो एथाइन होगा, दो कार्बन को एथीन कहते हैं, और तीन जो डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, आयन लगाते हैं इसमें से उसके रूप में। तो इस प्रकार से इसमें क्लोरो एथाइन और ये क्लोरो एथीन, तो इस प्रकार से ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं। इस प्रकार से इसमें हेलो एल्केन या एल्केल हैलाइड में हेलो क्या होता है, हेलोजन, एल्केन क्या होता है, एल्केन ग्रुप, इनके साधारण नाम क्या होते हैं, आईपीसी नेम क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन क्या होते हैं, और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर जिस कार्बन से हैलोजनी तत्व जुड़ा हुआ है, हैलोजन एलिमेंट जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसी उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन या संकरण भी पूछी जाती है। तो संकरण क्या होता है, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ कनेक्ट करके और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समान वितरण को ही हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। अब यहां पर जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है इनमें अगर जो जिस कार्बन से क्लोरीन लगा है उसी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये सभी जितने भी ये सब सिंगल बॉन्ड से कार्बन लगे जिस कार्बन से हैलोजनी तत्व लगा हुआ है, हैलोजन एलिमेंट लगा हुआ है, उसी कार्बन से जो एल्केन ग्रुप लगे सब सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में कोई नहीं। तो यहां पर ये सभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये सब कैसे हैं, इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है या संतरण होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है यहां पर जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है और उसी कार्बन से क्लोरीन लगा है तो ये कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसी प्रकार से यहां पर जिसमें जिस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है उसी से क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp
किसी भी कंपाउंड में पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, अगर डबल बॉन्ड है ओसी कार्बन से दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम कहते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड है तो एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ेंगे सब में इसी तरह से निकालना होगा।